फ्रेंड, करंट अफेयर्स के लिए आज हम लोग करेंगे जनवरी से लेकर जुलाई तक का करंट अफेयर्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है आपके लिए, आप इसके एक सेकंड को भी मिस मत कीजिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा। हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे और उससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देखेंगे। जैसे ये पहला प्रश्न है, चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो इसका सही उत्तर है LBM MK3। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल्स जान लेते हैं। LBM MK3 इसका पूरा नाम है लॉन्च व्हीकल Mark 3। कहाँ से लॉन्च हुआ है ये, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। लैंडिंग स्थान क्या है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराया जाएगा। जो लैंडर है उसका क्या नाम है, तो ये विक्रम है, जो कि चंद्रयान 2 के समय भी था। रोवर का भी नाम प्रज्ञान है और थीम जो है वो है साइंस ऑफ द मून। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और एक एक प्रश्न को हम लोग बहुत अच्छे से इस उससे जुड़े फैक्ट्स को भी कवर करेंगे और डिटेल्स में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अपकमिंग सारे एग्जाम में इससे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप भी कर रहे हैं स्टेट PCS या UPSC की तैयारी, तो जुड़ जाइए हमसे, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और हम आपके साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेके आते रहेंगे। जैसा कि अभी करेंट अफेयर्स पूछने का पैटर्न BPSC में भी बदल गया है, वो वन लाइनर ना पूछ के उससे रिलेटेड अन्य तथ्य को भी पूछती है, उसी के आधार पर हम लोग ये वीडियो में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य दिख रहे हैं उसको भी हम लोगों ने कवर किया है। दूसरा प्रश्न है विश्व मौसम विज्ञान संगठन से पूछ रहा है, इसकी पहली महिला महासचिव कौन बनी है, जॉर्जिया सेलोनी, सेलेस्टा योलो, मिशेल योह और दीना बलूरियात। तो सही उत्तर है सेलेस्टा योलो। और इसका जो स्थापना हुआ है वो है 23 मार्च 1950 को। मुख्यालय है जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और इसके सदस्य देश है 193, यानी 193। सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं वीडियो इसमें, और सारे के सारे फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप कॉपी पेन के साथ बैठे या आप स्क्रीनशॉट करके इन सारे स्लाइड्स को अपने पास रख लें। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है, तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी है, बी इसका जो ऑप्शन है वो सही होगा। अब पंजाब यूनिवर्सिटी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देख लेते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 2023 में 26 गोल्ड, 17 सिल्वर और 26 ब्रोंज जीतने में सफल रहा। कुल 69 पदक है इसके पास, इसके साथ ये शीर्ष स्थान पर रहा है। इसका शुभंकर जीतू है और ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण था। सो ये आप याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसमें केवल यूनिवर्सिटी ही पार्टिसिपेट करती है, पंजाब यूनिवर्सिटी इसमें टॉप पे रही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सारे के सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, और अगर आप ये एक घंटा दे देते हैं इस वीडियो को, तो आपका ऐसा आप कह सकते हैं कि 4-5 नंबर तक के करेंट अफेयर्स यहाँ से देखने को मिल ही जाएंगे। न केवल BPSC बल्कि UPSC को ही ध्यान में रखकर हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी साथ में शेयर किया है। अहमदनगर शहर का नया नाम बदलकर अहिल्या नगर हो गया है, सो महाराष्ट्र में है ये। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, बहुत चर्चे में रहे थे ये। और राज्यपाल है रमेश वैस। तो ये हो गया आपको महाराष्ट्र से जुड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट। अहमदनगर शहर का नाम बदल के रख दिया गया है अहिल्या नगर। इस तरह से बहुत सारे जगहों के नाम बदले गए हैं, उनको भी आप एक जगह नोट बना लें ताकि उनसे जुड़े प्रश्न आपसे नहीं छूटे। दुनिया के सबसे ऊंचे, ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को, युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन है, तो ये है शिवा चौहान, अर्थात ऑप्शन बी होगा सही उत्तर। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र जो है वो है सियाचिन। अगला क्वेश्चन है, पराग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, पराग्वे में जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो है सेंटियागो पेना। आपको पराग्वे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये रहा, ये दक्षिण अमेरिका में स्थित एक स्थल रुद्ध देश है, ये याद रखिएगा, स्थल रुद्ध देश है, यानी कि चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है। इसकी राजधानी आसुनसियोन है और मुद्रा गुआरानी है, ये याद रखिएगा। सो पराग्वे के नए राष्ट्रपति से जुड़ा था ये फैक्ट्स। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो है लिपजिंग बुक पुरस्कार से। 2023 में लिपजिंग बुक पुरस्कार किसने जीता है, यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है, सही उत्तर है मारिया स्टेपानोवा। लियापिंग बुक पुरस्कार एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है जिसे 1994 से प्रदान करना प्रारंभ किया गया।
अगला है सऊदी अरब को पीछे छोड़कर यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है। सही उत्तर है भारत। भारत को भारत यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ साइड में जो फैक्ट्स है इसको भी समझ लेते हैं। यूक्रेन में रूस हमले के बाद यूरोपियन यूनियन ने रूसी कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगा दिया था। यूरोप रूस से अपने इस्तेमाल का 30% तेल खरीदता था। ये आप समझ गए होंगे। यहाँ से अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है। यहाँ ऑप्शन में नीदरलैंड, मैक्सिको, इंग्लैंड और इंग्लैंड के दूसरे खिलाड़ी है। सही उत्तर है सर्जियो पेरेज, रेडबुल मैक्सिको के खिलाड़ी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने हैं। ये 17वां विश्व शतरंज चैंपियन 2023 था जिसको जीतकर चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं डिंग लिरेन। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चीन के पहले विश्व चैंपियन कौन बने हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। सही उत्तर हो जाएगा डी, 161वां स्थान है भारत का। और पहले स्थान पर है नॉर्वे, आखिरी स्थान पर है उत्तर कोरिया। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी कौन करता है, तो विदाउट बॉर्डर्स पेरिस फ्रांस की संस्था है ये जो इसे जारी करती है। तो पहले स्थान पे नॉर्वे है ये याद रखिएगा, और भारत का जो सूचकांक है 161वां है, विदाउट बॉर्डर्स इसे जारी करती है। यह है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको इन प्रश्नों से रिलेटेड कोई डाउट रह जाते हैं या आपको लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर बदलना चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। हम लोग बढ़ते हैं आगे। भारत ने किस वर्ष तक 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। 2024 है इसका सही उत्तर। 2024 तक 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि प्रश्न को हम लोगों ने पूरी तरह से शुद्धता से बनाने की कोशिश की है और इस ये सारे उत्तर पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। बहुत ऑथेंटिक उत्तर आपको दिया जा रहा है। गांधी सियासत और सांप्रदायिकता पुस्तक के लेखक पीयूष पवेल है। किस भारतीय शहर ने लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। मुंबई है इसका सही उत्तर। लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब जीता है। किस देश ने सरकारी कामकाज में अंग्रेजी या अन्य विदेशी शब्दों का उपयोग करने पर 1,00,000 पौंड तक का जुर्माना लगाने का नया कानून पेश किया है। यह है इटली। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इटली से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इटली यूरोप महाद्वीप में आती है। इटली की राजधानी रोम है और मुद्रा यूरो है। प्रधानमंत्री है इटली की जॉर्जिया मेलोनी और राष्ट्रपति है सर्जियो मैटरेला। सो इटली वो देश है जिसने सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी या अन्य विदेशी शब्दों का उपयोग करने पर 1,00,000 पौंड तक का जुर्माना लगाने का नया कानून पेश किया है। इस वीडियो के फ्रैक्शन ऑफ सेकंड को भी आप मिस मत कीजिएगा क्योंकि बहुत क्विकली और कम समय में हम लोगों ने बहुत सारे करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखा है। आईफोन निर्माता कंपनी है एप्पल इंक। ये भारत में अपना पहला स्टोर खोली है एप्पल बीकेसी के नाम से। ये कहाँ खोला गया है। सो इसका सही उत्तर है मुंबई यानी बी। जान लेते हैं एप्पल के बारे में कुछ। तो इसके स्थापना दिवस है 1 अप्रैल 1976 1976। संस्थापक स्टीव जॉब्स है। मुख्यालय है कैलिफोर्निया में और वर्तमान में सीईओ है टिम कुक। ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एप्पल इंक का जो मुख्यालय है भारत में जो अपना पहला स्टोर खोला है वो मुंबई में है। विश्व सतत शिखर विकास शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो ये भारत के नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 भारत नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। नागालैंड विधानसभा चुनाव में पहली महिला विधायक कौन बनी है। हेकानी जुघालू सलहुनु क्रूस और ये दोनों ही बनी है। तो सी जो उपयुक्त दोनों है ये होगा सही उत्तर। नागालैंड विधानसभा चुनाव में पहली महिला विधायक बनी है हिकानी जोखालू और सलोनु कुश। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर्स ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है। मोहन मानसिंघनी, शशिधर जगदीशन, कृष्णा वविलाला, रवि कुमार सागर। तो उत्तर है शशिधर जगदीशन।
भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? सो हॉकी टीम अभी हाल ही में जीती है श्रृंखला, तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे क्रेग सर। फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये कर्नाटक ने जीता है। आयोजन स्थल जो था वो सऊदी अरब था और ये 76वां संस्करण था फुटबॉल टूर्नामेंट का। संतोष ट्रॉफी का संबंध है इससे, तो संतोष ट्रॉफी से जुड़ा हुआ है फुटबॉल टूर्नामेंट, 76वां संस्करण था ये, आयोजन हुआ था सऊदी अरब में। गोवा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? अभी बहुत सारे नाम चेंज हुए हैं, यहाँ मैं कुछ लिस्ट आपको अवेलेबल करा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फिलहाल गोवा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रखा गया है डॉक्टर मनोहर पारिकर के नाम पर। कुछ जो इंपॉर्टेंट बदलाव हुए हैं ये यहाँ पे मैं टॉप 5 बदलाव को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। काकोरी ट्रेन डकैती कांड जो था अब इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है और ईयर है 1925। चंडीगढ़ एयरपोर्ट में शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट के नाम के का नया नामकरण हुआ है, मीन्स चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट है। 5140 पहाड़ी का नाम गन हिल्स कर दिया गया है और औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बदलाव जो आपको याद होने चाहिए। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे जो है ब्लैक राइनो से जुड़ा हुआ। इसके संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसने जारी किया है? IMF, विश्व बैंक, IUCN या WTO? तो IUCN से कंफ्यूज नहीं होना है, इसका सही उत्तर होगा विश्व बैंक। देख लेते हैं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष है अजय बंगा। स्थापना विश्व बैंक का 1944 में हुआ था ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत और मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, ये था ब्लैक राइनो के संरक्षण से जुड़ा हुआ। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे, प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? यहाँ 4 शहर दिया गया है, आगरा, इंदौर, नागपुर, जयपुर। सही उत्तर होगा इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है। विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज MV गंगा विलास की यात्रा कार्यक्रम के तहत वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितनी दूरी तय की गई है? यहाँ आपको ऑप्शन में है 29, 30, 31, 3200 किलोमीटर, इसमें से चुनना है। नदी क्रूज MV गंगा विलास बहुत चर्चे में रहा है और इसने 3200 किलोमीटर की दूरी तय की है वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक। 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आर बोनी गैब्रियल का संबंध किस देश से है? तो ये है ऑप्शन आपके पास, इंडोनेशिया, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, फिलीपींस। सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 71वीं है। अगर पूछता है 70वीं मिस यूनिवर्स कौन थी, तो वो भारत के चंडीगढ़ से हरनाज सिंह संधू थी। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, केंद्र सरकार द्वारा पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? अगरतला, भुवनेश्वर, सिलिंग या कोहिमा? सही उत्तर है सिलिंग। आपके लिए एक प्रश्न है, ऑनलाइन गेमिंग पर हाल ही में जो GST लगाई गई है वो कितना लगाया गया है, इसे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र? सही उत्तर है राजस्थान। वकील संरक्षण अधिनियम राजस्थान के द्वारा ही लागू किया गया है, ये भी याद रखिएगा। और स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक को भी राजस्थान ने ही लागू किया है। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन कैलासा अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये जो है राजस्थान की फिल्म है नानेरा, राजस्थान की एक फिल्म है जिसको अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन कैलासा अवार्ड दिया गया है। वर्ष 2023 में संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश किया था मेजबानी, संघाई सहयोग संगठन का? तो भारत होगा इसका सही उत्तर। G20 शिखर सम्मेलन का भी आयोजन भारत कर रहा है। SCO की स्थापना 1996 में हुई थी, 1996 में। इसका जो मुख्यालय है वो बीजिंग में है। कुल अभी 9 सदस्य है इसके, जो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे हैं। सो 2023 में जो संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन हुआ उसकी मेजबानी भारत ने की। SCO इसको बोलते हैं, फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन।
अब हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे, और इसी तरह से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिखेंगे उसको भी हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि अभी बीपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम में वन लाइनर करेंट अफेयर्स के साथ साथ कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें कुछ कूट टाइप का सा बना दिया जाता है, तो जिसके लिए उससे रिलेटेड अन्य फैक्ट्स को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। तो ये हम लोगों ने सोल्व किया वर्ष 2023 में SCO अर्थात संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन से जुड़ा प्रश्न। भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन वन आयोजित किया गया है? साइक्लोन वन भारत और इजिप्ट यानी मिस्र मिलकर आयोजित किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, राजस्थान में इसका आयोजन हुआ, भारत और मिस्र ने मिलकर के इसको आयोजित किया था, ये पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है भारत और मिस्र के लोगों का, भारत और मिस्र के बीच का। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। राजस्थान में इसका आयोजन किया गया, ये याद रखिएगा, साइक्लोन वन का आयोजन कहाँ हुआ था, तो राजस्थान में। अब प्रमुख कुछ युद्ध अभ्यास हम लोग देख लेते हैं, तर्कस, धर्म गार्जियन, डस्टलीक और फ्रिंजेक से प्रायः पूछा जाता है। तर्कस अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच, धर्म गार्जियन भारत और जापान, जबकि डस्टलीक भारत और उज्बेकिस्तान, और फिंजेक्स भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। इसमें फिंजेक्स तो आपको नाम से ही याद रह जाएंगे, बाकी आप उसको अपने ट्रिक से याद कर सकते हैं। 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी थी? तो इसकी उप विजेता टीम थी बेल्जियम, जबकि जर्मनी ने इसे जीता था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बेल्जियम। आयोजन हुआ था इसका उड़ीसा में राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में, विजेता जर्मनी और उपविजेता बेल्जियम रही। ये जो हॉकी का संस्करण था ये 15वां संस्करण था। बढ़ते हैं हम लोग आगे अपने अगले क्वेश्चन पे। हम कर रहे हैं जनवरी से लेकर जुलाई 2023 तक के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स को। अगला क्वेश्चन है, किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से पुरस्कृत किया गया है? उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन, लुंगलेई फायर स्टेशन जो कि मिजोरम में है, दोनों या इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन है हमारे पास। सुभाष चंद्र बोस का जयंती मनाया जाता है 23 जनवरी को, ये याद रखिएगा। और ये जो प्रश्न है किसे दिया गया है, तो इसका सही उत्तर ए और बी दोनों है। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, संस्थागत श्रेणी के तहत सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से ओडिशा के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मिजोरम को, दोनों को सम्मानित किया गया है। योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का विजेता कौन रहा? योनेक्स में कौन रहा है पुरुष एकल वर्ग का विजेता? तो ये कुनलाउत विदित शरण रहे हैं। महिला एकल का याद रखिएगा एन सी युंग जो है वो महिला एकल से विजयी रही है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ जो इकोनॉमिक सर्वे से है। 2022-23 के अनुसार वर्ष 23-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? 6.4567, तो सही उत्तर है 6.5%। ये इकोनॉमिक सर्वे में अनुमानित किया गया है भारत का जो विकास होगा 22-23 के को आधार मानकर 23-24 में, तो ये 6.5% होगा। और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। 31 जनवरी 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे प्रस्तुत किया। इस सर्वेक्षण को मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन के नेतृत्व में तैयार किया गया था, और इसकी थीम है मध्य अवधि स्थिति आशावादी तथा विश्वसनीय, ये थीम रहा है। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, वी अनंत नागेश्वरन के नेतृत्व में इसे तैयार किया गया। अर्थव्यवस्था की विकास दर मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 7% रहने का अनुमान है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में विकास दर 8.7% रही थी। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जो GDP का विकास दर है वो 6.5% रहेगी। सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान राजकोषीय घाटा 6.4% रहा, जो पिछले वर्ष में 6.7% रहा है। सो ये हो गया आपको आर्थिक समीक्षा 2022-23 से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। इसी में आगे बढ़ते हैं। भारत ने 2070 तक नेट जीरो का संकल्प लिया है कार्बन इमिशन का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किसे किया गया है? ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, पापुआ न्यू गिनी या मालदीव? तो सही उत्तर है पापुआ न्यू गिनी। बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई है? 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख या 3.5 लाख? तो पहले 2.5 लाख की आय को कर मुक्त रखा गया था, परंतु वर्तमान में 3 लाख तक की आय को कर मुक्त रखा गया है। पहले आयकर की स्लैब 6 थी, अब 5 कर दिया गया है, यानी 3 लाख तक आपको टैक्स से मुक्त रखा गया है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बजट 2023-24 के तहत ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोगों ने हल किया, और ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं करेंट अफेयर्स के दौरान। ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो सबको बहुत अच्छे से समझिएगा। भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा किसने प्रारंभ किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने प्रारंभ किया है भारत की जो स्थानीय भाषा है इसको डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए, और इस प्रोजेक्ट का नाम हुआ एलोरा। ये याद रखिएगा, अजंता और एलोरा की गुफा आपने पढ़ा होगा, कमेंट में बताइएगा कहाँ स्थित है यह। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? मंदसौर में आयोजित किया गया है, और एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबुला जामू है जो मणिपुर में है, लोकटक झील में। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मंदसौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। आगे आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है भारतीय सेना के बारे में। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये लद्दाख में हुआ था, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही ऑपरेशन सद्भावना के लिए। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? तो ये है रिक्की खेज, और ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं पंडित रविशंकर। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार की बात की जाए तो रिक्की केज हैं। ग्रैमी अवार्ड को पहली बार जो पाने वाले भारतीय हैं वो है पंडित रविशंकर। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है आइस हॉकी चैंपियनशिप से। राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन रही? ITBP, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख स्काउट्स या दिल्ली? सही उत्तर है ITBP, राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप की विजेता रही है। यूनेस्को द्वारा विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे प्रदान किया है? तो ये विश्व भारती विश्वविद्यालय को, इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में की थी 1921 में, और इसी का एक अन्य नाम है शांति निकेतन। ये है यूनेस्को द्वारा विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी विश्व भारती विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? मुंबई, तिरुवनंतपुरम, तुमकुरु या हैदराबाद में? ये याद रखिएगा, तुमकुरु है कर्नाटक। और तुमकुरु से जुड़ा एक और फैक्ट जो साइट में आप देख पा रहे हैं, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण कंपनी हाल, जिसको बोलते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, वो यहीं पे है। राष्ट्रीय स्तर का दूसरा ग्रीन बॉन्ड किस नगर द्वारा लॉन्च किया गया है? पटना, जयपुर, इंदौर या गाजियाबाद? इसका उत्तर है गाजियाबाद, सेकेंड पे है इंदौर। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रिक्की केज, डॉक्टर पेगी मोहन, वीके पांडियन और राखी कपूर? तो सही उत्तर है पेगी मोहन को मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड, इसको याद रखिएगा। रिक्की केज बहुत चर्चे में रहे हैं, 3 बार इन्होंने ग्रैमी प्राप्त किया है। पंडित रविशंकर ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, और राखी कपूर को गोल्डन बुक अवार्ड 2023 मिला है, गोल्डन बुक अवार्ड 2023, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। तुर्किया और सीरिया को मदद करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ये ऑपरेशन दोस्त है। तुर्किया और सीरिया को
भूकंप से प्रभावित होने के बाद मदद करने के लिए भारत ने चलाया था। इसी तरह के कुछ इम्पोर्टेंट जो है ऑपरेशन उसको हम लोग देख लेते हैं। यूक्रेन में नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा और ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था, जिसका संबंध अफगानिस्तान के साथ है। सो ये बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन है। पिछले बार भी बीपीएससी में ऑपरेशन से जुड़े प्रश्न किए गए थे, तो अगर ये ऑपरेशंस वगैरह हम लोग देख लेते हैं तो यहाँ से भी कुछ प्रश्न बनने की उम्मीद रहती है। प्रकाशित विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन है? एक उपन्यास है विक्ट्री सिटी, इसके लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी हैं, बहुत प्रसिद्ध लेखक है भारत के। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 9th, 10th, 11th या 12th? कौन सा स्थान भारत को वैश्विक प्राप्त हुआ है? तो 10वें स्थान पर रहा है क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसको देख लीजिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत 161वें स्थान को प्राप्त किया है। वैश्विक शांति सूचकांक में 126वां, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में 127वें स्थान पर, और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 42वें स्थान पर रहा है। आप ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के लिए स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, जो कि आपके पास एक डिजिटल नोट्स बन जाएगा। उद्देश्य है फ्रेंड आपके प्रिपरेशन को और मजबूत बनाना। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया है तो बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जो आप जानते होंगे, लेकिन कई ऐसे भी फैक्ट्स हैं जो जटिल है या जल्दी याद नहीं होते या हमारे दिमाग से स्लिप कर जाते हैं या हमें पता नहीं होता। इन चारों केस में आप अगर स्लाइड का स्क्रीनशॉट रख लेते हैं तो आपके पास एक बढ़िया नोट्स बन जाएगा। और जिन लोगों के पास इसका 20% या 30% से भी कम जानकारी है, वो तो पेन पेपर से इसके नोट्स बना ले। भारत में पहली बार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा लिथियम का भंडार कहाँ खोजा गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। 29 लाख टन लिथियम के भंडार जम्मू कश्मीर में मिले हैं। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में शीर्ष 3 स्थानों पर कौन सा राज्य रहा है? हम लोग ऊपर देखे थे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में, अब यहाँ पर पूछ रहा है पदक तालिका में शीर्ष 3 पर किन राज्यों को स्थान प्राप्त हुआ है? महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, या राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र? तो पहला ए जो है वो सही उत्तर है, महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश। आयोजन हुआ था मध्य प्रदेश में, संस्करण था 5वां, पहला जो है वो महाराष्ट्र को मिला है, दूसरा हरियाणा को और तीसरा मध्य प्रदेश को। पदक तालिका में जो शीर्ष 3 पर राज्य रहे हैं वो, इसके पहले हम लोगों ने जो देखा था वो यूनिवर्सिटी के लिए था, ये राज्य के लिए, इसलिए कन्फ्यूज नहीं होइएगा, वो केवल यूनिवर्सिटीज थे और ये स्टेट के लिए है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन ट्रिपल स्टार का क्वेश्चन है, ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये फिजी में हुआ था, नाड़ी शहर में। मनाया कब जाता है हिंदी दिवस? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। सो हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है, ये हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण जो फिजी के नाड़ी शहर में मनाया गया। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? एक बार फिर से, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये दुबई होगा। COP15 का जो आयोजन है ये मॉन्ट्रियल में हुआ, ये याद रखिएगा। सो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का हम लोगों ने यह प्रश्न देखा। महिला प्रीमियर लीग में RCB द्वारा 3.4 करोड़ में किसे खरीदा गया सबसे महंगा? स्मृति मंधना रही है, विजेता मुंबई रहा। महिला प्रीमियर लीग में ऑरेंज कैप प्राप्त हुआ मैक लैमिंग को, तो ये याद रखिएगा। IPL का जो महिला संस्करण है इसमें विजेता टीम मुंबई थी और सबसे महंगी खिलाड़ी स्मृति मंधना थी, जिसे RCB ने खरीदा है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसके पहले एक चीज कि आप RCB का फुल फॉर्म तो सभी लोग जानते ही होंगे, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस राज्य के पुलिस बल को प्रेसिडेंट कलर सम्मान प्रदान किया गया?
सही उत्तर है हरियाणा। हरियाणा के पुलिस बल को प्रेसिडेंट कलर सम्मान प्रदान किया गया है। भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन का आयोजन कहाँ किया गया? ये पहली फ्रोजन लेक मैराथन है, लास्ट रन इसका आयोजन कहाँ किया गया? यहाँ पर कुछ इश्यूज आ गई है फ्रेंड्स। खैर आते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान इसका शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो राजस्थान। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गुरुग्राम, राखीगढ़ी, फरीदाबाद या गोरखपुर? ये चारों स्थान हड़प्पा में है, तो याद रखिएगा हड़प्पा से जुड़ा हुआ है। और यहाँ जो गोरखपुर है वो हरियाणा का गोरखपुर है, जहाँ उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय ये राखीगढ़ी हरियाणा से ही जुड़ा हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, इसको लिख लीजिएगा या याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय राखीगढ़ी यहाँ हरियाणा में है। आगे आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन था पहला परमाणु संयंत्र उत्तर भारत का, तो सही उत्तर है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में नहीं फंसना है, गोरखपुर हरियाणा ये इसका सही उत्तर है। आते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। YouTube का नया CEO कौन नियुक्त हुआ है? पराग, लिंडा याकरीनो, नील मोहन और संदीप कटारिया। सही उत्तर है नील मोहन। ट्विटर के भी CEO बदले हैं, तो इनको भी हम लोग देख लेते हैं। ट्विटर के जो CEO है इनका नाम है लिंडा याकरीनो। लिंडा याकरीनो ट्विटर के नए CEO है। सो ये हम लोग कर रहे हैं जनवरी से जुलाई तक के 2023 के करंट अफेयर्स को, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कर रहे हैं आपके साथ साझा। एक भी आप क्वेश्चन यहाँ से मिस मत कीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि इन सारे क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन ही हमने मिस कर दिया और वहीं एग्जाम में पूछ लिया गया, तो दिक्कत होता है। रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन रही है? सौराष्ट्र। उप विजेता रही है बंगाल, ये याद रखिएगा। यहाँ बहुत कोशिश करने के बाद भी थोड़ा शोरगुल आ जाता है फ्रेंड्स, इसके लिए आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है जयपुर। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस है ये, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के साथ मिलकर इसे आयोजित किया जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। ये बीच में कभी ऐसा शोरगुल टाइप का आ जाता है फ्रेंड्स, इसके लिए मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि इस तरह का नहीं आए। और क्योंकि क्लास में भी हम लोग को जब क्लास चल रहा होता है ये थोड़ा सा आवाज़ हमें एडजस्ट करना पड़ता है, सामने स्क्रीन पे आपके सब कुछ रिटेन रहता है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती होगी। BVR सुब्रमण्यम बने हैं नीति आयोग के नए CEO। उपाध्यक्ष अगर पूछा जाए तो ये है सुमन के बेरी। सो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत आसान प्रश्न है ये। भारतीय समूह वेदांत जो है, भारतीय समूह वेदांत किस अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के सहयोग से देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में स्थापित करने जा रहा है? यहाँ पर आपको कंपनीज है सैमसंग, LG, लेनोवो, बहुत प्रसिद्ध कंपनी है, लेकिन ये इसका सही उत्तर नहीं है। इसका सही उत्तर होगा फॉक्सकॉन, यानी ऑप्शन ए। तो वेदांत जो है वो फॉक्सकॉन के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के सहयोग से देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में स्थापित करने जा रहा है। हालांकि रिसेंट में जो कुछ चेंजिंग हुए हैं उसे आप देख लीजिएगा। यूनिसेफ इंडिया द्वारा हाल ही में किसे राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? यूनिसेफ इंडिया द्वारा हाल ही में आयुष्मान खुराना को राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है। पेप्सी कंपनी के रणवीर सिंह हैं, स्माइल के सचिन तेंदुलकर है, प्यूमा इंडिया के हरमनप्रीत कौर है और हर्बललाइफ का स्मृति मंधाना नियुक्त हुई है। सो यूनिसेफ द्वारा इंडिया में हाल ही में राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है आयुष्मान खुराना को। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा गेहूँ की किस नई जलवायु स्मार्ट किस्म का विकास किया गया है? तो ये है HD3385। ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित किया गया है और ये गेहूं की नई किस्म है। यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ मिलकर विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया है? विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ मिलकर किया है? तो ये UK हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम के साथ।
उच्चतम न्यायालय ने मुख्य निर्वाचन और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति द्वारा करने का निर्णय लिया है। इस समिति में कौन कौन शामिल हुए हैं? उच्चतम न्यायालय ने मुख्य निर्वाचन और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की एक समिति द्वारा चुनने का निर्णय किया, इसमें कौन कौन शामिल हुए हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ तो उपयुक्त सभी आपको उत्तर में दिखाया जाएगा, लेकिन रिसेंट यानी कल के ही जो न्यूज़ है उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल नहीं किया गया है। इसमें शामिल होंगे कैबिनेट के गृह मंत्री, तो आप देख लीजिएगा, प्रधानमंत्री रहेंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता ये भी रहेंगे, और क्योंकि पहले के अनुसार से पूछा गया है तो उपयुक्त सभी उत्तर सही है, लेकिन वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश की जगह कैबिनेट मंत्री का प्रावधान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन इसमें कहाँ किया है? भोपाल, पटना, गांधीनगर या जयपुर? सही उत्तर है भोपाल। ये 7वां संस्करण है अंतर्राष्ट्रीय धम्म महासम्मेलन का। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो सही उत्तर है भारत। आयोजन हुआ था इसका ईरान में, याद रखिएगा, जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप, और ये बहुत आसानी से आप याद भी रख सकते हैं, कबड्डी हमारा लोकल खेल है, जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप भारत ने जीता है, आयोजित हुआ था ईरान में। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ये था जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप से जुड़ा हुआ। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का 53वां जिला किसे घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश का 53वां जिला घोषित हुआ है मऊगंज, और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश का 4था टाइगर रिजर्व है रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का 53वां जिला मऊगंज है, और मऊ का भी उत्तर प्रदेश में भी है मऊ, तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। उत्तर प्रदेश का ही 53वां टाइगर रिजर्व भी घोषित हुआ है, ये आप देख लीजिएगा, जो उत्तर प्रदेश का 4था है और उत्तर प्रदेश में भारत का 53वां है। डॉक्टर मणिक शाह हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री चुने गए हैं? तो त्रिपुरा। अन्य कुछ मुख्यमंत्री बदले हैं जो यहाँ साइड में हैं, आपको इनको भी याद कर लेना है। मेघालय के कॉनराड संगमा, महाराष्ट्र के चेंज हुए, काफ़ी चर्चा भी रही इनके ऊपर, एकनाथ शिंदे। हिमाचल के सुखविंदर सिंह सुक्खू, और नागालैंड के नेफ्यू रिपो। ये है आपको हाल में मुख्यमंत्री जो चुने गए हैं, त्रिपुरा से है डॉक्टर मणिक शाह। 2023 में प्रिट्जकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? प्रिट्जकर पुरस्कार जो है वो जुड़ा हुआ है पत्रकारिता के क्षेत्र से, तो इसे बालकृष्ण दोषी को सम्मानित किया गया है 2023 का प्रिट्जकर पुरस्कार। माउंट मेरापी, जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है, कहाँ पे स्थित है यह? फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान या मलेशिया, इसमें से चुनना है माउंट मेरापी, ये इंडोनेशिया में है। साइड में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसको आपको कर लेना है। माउंट सिनापुंग अगर पूछे तो ये इंडोनेशिया में है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर में है। किलिमंजारो तंजानिया में है। और मौना लोवा ज्वालामुखी हवाई द्वीप अफ्रीका में है। यानी एक याद रखना है, माउंट सिनापुंग ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है, और माउंट मेरापी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ ये भी इंडोनेशिया में है। इसके अलावा कोटोपैक्सी इक्वाडोर, स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर, मौनालुआ हवाई द्वीप और किलिमंजारो तंजानिया में है, जो कि अफ्रीका से है। तो ये माउंट मेरापी से जुड़ा प्रश्न था। आगे आते हैं अपने अगले प्रश्न पे, यह ज्वालामुखी विस्फोट से जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न जो है ये जुड़ा हुआ है अंतर संसदीय संघ की बैठक से। 2023 में अंतर संसदीय संघ की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? 146वां संस्करण था, आयोजित हुआ था बहरीन में। भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर स्थापित हो रहा है उत्तराखंड में। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर, कोल्लम, सिद्धिरूढ़ा स्वामी, कर्नाटक या नई दिल्ली? विश्व का सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है ये है सिद्धिरूढ़ा स्वामी कर्नाटक, इसकी कुल लंबाई 1.5 किलोमीटर है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है ये। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है 2023 का? सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? नाटू नाटू, लिफ्ट मी अप, होल्ड माई हैंड, एवरीथिंग एवरीवेल, ऑल
एवरीवेयर ऑल एट वंस, तो सही उत्तर है नाटू नाटू। इसे सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो है देश में पहली बार मेथनॉल से चलने वाली बसों को कहाँ लॉन्च किया गया है। सो देश में पहली बार मेथनॉल से चलने वाली बसों को बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान 2022 से किससे सम्मानित करने की घोषणा की गई है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान दिया जा रहा है ज्ञान चतुर्वेदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सुपर बग के खिलाफ नए जीवाणुरोधी अणु IITRO693 ये है जिसकी खोज किसने की है। IIT रुड़की इसका सही उत्तर हो जाएगा, IIT RU 693 ऐसे आप याद रख सकते हैं। सुपर बग के खिलाफ नए जीवाणुरोधी है जिसकी खोज IIT रुड़की ने की है। नेक्स्ट आते हैं अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो ये जो क्वेश्चन था ये तो IT सेक्टर से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है। तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन अगर आप देखेंगे, हम लोग उसको बहुत पहले से जानते हैं, प्रसिद्ध है ये श्रीनगर, यहीं इसका सही उत्तर है। सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है। शिवशंकर, ज्ञान चतुर्वेदी, रामदास मिश्र या मधु काकरिया। सही उत्तर है शिवशंकर ही। इन्हें इनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। डीजल परिवहन के लिए 131 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन किन देशों के बीच शुरू हुई है। भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, भारत भूटान, भारत श्रीलंका। सही उत्तर है भारत बांग्लादेश। बंधन एक्सप्रेस भी भारत बांग्लादेश के बीच ही शुरू हुई है, ये याद रखिएगा। मैत्री और बंधन दोनों का संबंध भारत बांग्लादेश से ही है। बढ़ते हैं आगे, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है GI टैग से। किस राज्य के सुंदरजा आम को GI टैग दिया गया है। तो ये मध्य प्रदेश का है। कुछ और GI टैग जो दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश से है 4 GI टैग दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बनारसी पान, रामनगर का बैगन, अलीगढ़ का ताला और हाथरस की हींग, ये सब उत्तर प्रदेश से ही हैं जिसे GI टैग दिया गया है। सो ये याद रखिएगा, बनारसी पान उत्तर प्रदेश, रामनगर का बैगन ये भी उत्तर प्रदेश है, अलीगढ़ का ताला उत्तर प्रदेश है और हथरस की हींग उत्तर प्रदेश है, ये सब को GI टैग मिला है। सो मध्य प्रदेश के जो सुंदरजा आम है इसको GI टैग दिया गया है, ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया है। पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है बेंगलुरु को, जो कि 2023 के लिए हेल्दी सिटीज अवार्ड से जुड़ा हुआ है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 भारत को किस पैदान पर रखा गया है। 25, 26, 27, 28, 100, 125, 126, 127, 128। सो इसका आपको सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ हम लोग साइड में कुछ और रैंकिंग भी दिखा रहे हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 का सही उत्तर हो जाएगा 126वां, और साइड में जो कुछ रैंकिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट कर ले या इसको लिख ले। वैश्विक भूख सूचकांक में 107 पे है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में चौथे स्थान पे है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत की रैंक 13वां है। वर्ल्ड हैप्पीनेस में जो कि अभी हम लोगों ने देखा 126वां है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 में कर्नाटक को पहला स्थान मिला है, उत्तर प्रदेश को अंतिम स्थान मिला है। ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के साथ साथ कुछ अन्य रिपोर्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, इसको हमने यहाँ पे शेयर किया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है, तो ये 126वां है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 में कर्नाटक पहले और उत्तर प्रदेश आखिरी स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो है एशिया के टेलीस्कोप से जुड़ा हुआ। एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय, सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है। सही उत्तर होगा उत्तराखंड में। एशियाई बिलियर्ड्स 2023
खिताब को किसने जीता, पंकज आदित्य ब्रजेश या यासीन मर्चेंट? तो सही उत्तर है पंकज आडवाणी ने जीता है इसे। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे जो है ब्रिक्स से जुड़ा हुआ। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? सो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य है मिस्र। कुछ अन्य फैक्ट्स देख लेते हैं। ब्रिक्स के अध्यक्ष हैं, इस न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष है डिल्मा रोसेज। नाटो में भी नया सदस्य जुड़ा है फिनलैंड, और अब नाटो की संख्या हो गई है 31। एससीओ में भी नया सदस्य जुड़ा है वो है ईरान, और इसकी संख्या हो गई है 9। तो ये याद रखिएगा, ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य है मिस्र, नाटो के नया सदस्य है फिनलैंड, टोटल संख्या 31। एससीओ का 9वां सदस्य है ईरान, और इसका जो टोटल संख्या है वो हो गया है 9। 9वां राज्य ईरान रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट था। आगे आते हैं, गणित का नोबल एबल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? सो गणित का जो नोबेल एबल पुरस्कार है वो लुइस कैफरेली को दिया गया है। ये अर्जेंटीना से संबंधित है, अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। आते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सफलतापूर्वक लॉन्च होने वाला पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट कौन सा है? टेरान 1, टेरान ए, टेरान आर, टेरान 5। सही उत्तर है टेरान 1, ये पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स द्वारा गवर्नमेंट ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, सॉरी गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास को। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यूरोपीय भौगोलिक संकेत प्राप्त करने वाला भारतीय उत्पाद कौन सा है जिसको यूरोप में भी भौगोलिक संकेत दिया गया है? यह है कांगड़ा चाय। अन्य कुछ है जो यहाँ आपको साइड में इम्पोर्टेंट में दिख रहा है, मिर्चा चावल जो कि बिहार का है, बसहोली पेंटिंग्स जम्मू कश्मीर का है, कंबस अंगूर तमिलनाडु का है, और मना मदुरई मिट्टी के बर्तन ये भी तमिलनाडु से हैं। ये कुछ अन्य उत्पाद है जिसको यूरोपीय भौगोलिक संकेत भी प्राप्त हुआ है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया है? तो ये करनाल हरियाणा में है, गंगा इसका नाम है, क्लोन बछड़ा का उत्पादन, और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है वो करनाल हरियाणा में है। सो पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा है गंगा। आते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है? मुंबई हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसमें आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री मिशन आर्टेमिस 2 के तहत, तो ये है क्रिस्टीना कोच। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन है? क्लियर प्लोसाक, किम कॉटन, सुषमा पटेल, वृंदा राठी, इसमें से चुनना है। सही उत्तर है किम कॉटन। एप्पल ने किस भारतीय शहर में अपना पहला रिटेल स्टोर शुरू किया है? मुंबई होगा इसका सही उत्तर, हम लोग ऊपर देखे भी थे इसको। सो एप्पल ने जो स्टार्ट किया है अपना पहला रिटेल स्टोर वो मुंबई में किया है। प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गज उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? असम होगा इसका सही उत्तर। प्रोजेक्ट हाथी की 30 वर्ष पूरे हुए हैं, यानी कि ये शुरू हुआ था 1992 में। गज उत्सव का आयोजन असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। ये याद रखिएगा, प्रोजेक्ट हाथी आपके इन्वायरमेंट के लिए भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। आगे बढ़ते हैं, भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? सुषमा पटेल, गंगप्पा निलप्पा, पद्मिनी टूडू, दीपिका टीसी, सही उत्तर है सुषमा पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त कर दिया है? तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उपयुक्त सभी।
सो आपको इसमें से चुनना है कि निर्वाचन आयोग ने किसे राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त किया है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था इसके लिए कुछ कंडीशंस आते हैं जो हम लोग समझेंगे और उसके ऊपर हम लोग डिसाइड करेंगे। इसके ऊपर हम लोग एक अलग सा वीडियो भी लेकर के आएंगे आपके लिए। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रैपिड एक्स का संचालन कहाँ किया जा रहा है? सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली NCR में। फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता कौन है? श्रेया पुंजा, सिन्नी सेठी, नंदिनी गुप्ता, फौना आजम एट्रोला। नंदिनी गुप्ता इसका सही उत्तर है और ये हैं नंदिनी गुप्ता, राजस्थान से जुड़ी हुई हैं। भारत की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अंबेडकर की 125 फीट की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, केरल या बिहार? सही उत्तर है, इस प्रतिमा का अनावरण तेलंगाना में हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रतिष्ठित शांतिकबा मानवतावादी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सोनम वांगचुक, नवीन जिंदल, मेधा पटनायक या रवीश कुमार? सही उत्तर है सोनम वांगचुक को प्रतिष्ठित शांतिकबा पुरस्कार दिया गया है। दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला है? तो पहला तो आपको याद होगा नरेंद्र मोदी को मिला था, दूसरा मिला है आशा भोसले को। दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आशा भोसले को दिया गया है। आगे आते हैं, भारतीय विदेश मंत्रालय ने सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है, ये है प्रश्न। ऑपरेशन कावेरी, गंगा, देवी शक्ति या ऑपरेशन दोस्त? इसके पहले भी हम लोगों ने ऑपरेशन से जुड़े एक क्वेश्चन को किया था और कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी आपको दिख रहे हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन कावेरी। और जो साइड में दिख रहा है इसको हम लोग देख लेते हैं। यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, तुर्की के लिए ऑपरेशन दोस्त था और अफगानिस्तान के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। सो भारतीय विदेश मंत्रालय ने सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो है प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा हुआ। PM मोदी ने भारत की पहली वाटर मेट्रो को कहाँ प्रारंभ किया है? वाटर मेट्रो पणजी, कोची, कोलकाता या कन्याकुमारी? तो कोची इसका सही उत्तर होगा। और पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कोलकाता में हुई थी। PM मोदी ने भारत की पहली वाटर मेट्रो को शुरुआत किया था कोलकाता में, अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में, पहला वाटर मेट्रो ये कोची में हुआ है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। थोड़े से ये शोरगुल वाले कंटेंट आ जा रहे हैं, मैं इसे कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कम से कम लाऊं या इसको कैसे मैं ज़्यादा क्लियर वीडियो बना पाऊँ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये है गंगूबाई कठियावाड़ी को 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स दिया गया है। बेस्ट एक्टर है राजकुमार राव और बेस्ट एक्ट्रेस से सम्मानित किया गया है आलिया भट्ट को। PM मोदी ने भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास कहाँ किया है? गोवा, केरल, कर्नाटक या उत्तराखंड? सही उत्तर है केरल में पहला डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के साथ ऐतिहासिक परमाणु रक्षा समझौता वाशिंगटन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने तो ये दक्षिण कोरिया के साथ किया है ऐतिहासिक परमाणु रक्षा समझौता, जिसका नाम है वाशिंगटन घोषणा पत्र। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश या केरल? तो पश्चिम बंगाल इसका सही उत्तर है, सबसे अधिक जलाशय वाला राज्य है। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ पे आयोजित हुआ? मॉन्ट्रियल, नई दिल्ली, टोक्यो या न्यूयॉर्क? पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन आयोजित हुआ है न्यूयॉर्क में, जो कि 2023 का है। केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को किस अवधि के लिए प्रारंभ किया है?
प्रारंभ किया है। तो ये है 2030-31 के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को प्रारंभ किया गया है। वित्त वर्ष 2023 में भारत का सबसे अधिक निर्यात वाला जिला कौन सा रहा है, जामनगर, सूरत, मुंबई या कलकत्ता? तो वो आपको बताना है, निर्यात वाला जिला जामनगर है। कान फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद पाल्मे डी और से किसे सम्मानित किया गया है? तो माइकल डगलस है जिनको सम्मानित किया गया है कान फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद पाल्मे डी और से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको यहाँ पे भारत की मेजबानी में SCO से जुड़ा हुआ। भारत की मेजबानी में SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? उड़ीसा, गोवा, तमिलनाडु, राजस्थान? सही उत्तर है गोवा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य के गांवों को 100% ODF प्लस घोषित किया गया है? कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश? तो तेलंगाना इसका सही उत्तर है, इसे 100% ODF प्लस घोषित किया गया है। चलने के अधिकार को लागू करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात? चलने के अधिकार को लागू करने वाला राज्य पंजाब है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, कार्लोस अल्कराज और कैथरीन डेब्रुनर? तो सही उत्तर है बी, लियोनेल मेसी। भारत एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अवार्ड ये 2022 किसे प्रदान किया गया है? सही उत्तर है जयंत विष्णु नार्लिकर को। भारत के 82 ग्रैंड मास्टर कौन है? विग्नेश NR, सायंतन दास, उपला प्रणीत और विजय लक्ष्मी? तो उपला प्रणीत इसका सही उत्तर होगा। 81वें थे सायंतन दास और 80वें थे विग्नेश NR। अब कुछ ही प्रश्न बचे हुए हैं फ्रेंड्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम लोग अपने वीडियो को के लगभग अंत में आ गए हैं और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको हम लोग देख लेते हैं। यहां से आपको सारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे, सो आप अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है, PM के किस दौरे के दौरान इसे किया गया था और किस देश में ये हुआ है? प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान किस देश में हैरिक पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया है। हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है। 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफल परीक्षण किसने किया? तुर्की, पाकिस्तान, ईरान या ओमान? तो सही हो जाएगा ईरान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया? 28 मई 2023 ये इसका सही उत्तर है। आजकल डेट से भी प्रश्न पूछने लगे हैं, तो आप ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं इनको याद रखिएगा। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बॉलीवुड का ऑस्कर आईफा 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? RRR, विक्रम वेदा, दृश्यम 2 या गंगूबाई कठियावाड़ी? यह बॉलीवुड का ऑस्कर कहा जाता है आईफा अवार्ड को, तो इसमें दृश्यम 2 को दिया गया है। बेस्ट एक्टर मिला है ऋतिक रोशन को और बेस्ट एक्ट्रेस है आलिया भट्ट। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है दृश्यम 2। आते हैं आगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। ये था आईफा अवार्ड, जो कि बॉलीवुड के ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, उससे जुड़ा हुआ। IPL 2023 का खिताब जीतने वाली टीम कौन सी है? CSK है ये, चेन्नई सुपर किंग्स? बहुत आसान है ये प्रश्न, संस्करण था 16वां। उप विजेता रहा है गुजरात टाइटन्स, ऑरेंज कैप मिला है शुभमन गिल को और पर्पल कैप मोहम्मद शमी के नाम पे रहा। IPL 2023 का खिताब जीतने वाली टीम रही चेन्नई सुपर किंग्स। ये थोड़ा सा अजूबा टाइप का है मोहम्मद शमी, क्योंकि इन्होंने काफ़ी एज है इनका और ये जनरली यंग्स का गेम माना जाता है, इसमें इन्होंने पर्पल कैप धारण किया है, तो ये बन गया है इम्पोर्टेंट। अब आते हैं, एडगर रिंकेविक्स किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं? लटाविया के बने हैं, ब्राज़ील के भी कुछ चेंज हुए हैं, नेपाल के, न्यूजीलैंड के और नाइजीरिया के, तो इनको भी देख लेते हैं। ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति है लूला डी सिल्वा। नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पौडेला।
न्यूजीलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं क्रिस हॉपकिंस और नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं बोला टिनियू। सो फ्रेंड, अब आखिरी के जो 20 मिनट बचे हुए हैं, इस 20 मिनट में हम लोग कम से कम 25 ऐसे प्रश्न को देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और यहां से सारे क्वेश्चन पे आप ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? रुचिरा कंबोज, एंटोनियो गुटेरस, डेनिस फ्रांसिसी या त्रिवेंगली। स्लीपर कोच वाली 100 वनडे भारत ट्रेनें बनाने का टेंडर प्राप्त करने वाली एलस्टॉम कंपनी का संबंध किस देश के साथ है? तो ये इटली, ब्रिटेन, जर्मनी या फ्रांस। सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस, जो स्लीपर कोच वाली 100 वनडे भारत ट्रेन बनाने का की है। अरब सागरीय चक्रवात बिपरजॉय का नामकरण किस देश ने किया था? यह हो जाएगा बांग्लादेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये जो सम्मान है, यह है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। ये किस देश ने सम्मानित किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को? तो यह है सूरीनाम। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे नाटो से जुड़ा हुआ। नाटो के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? बेल्जियम, इटली, फिनलैंड या जर्मनी में। एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन हुआ है जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व की पहली विंड टनल JF-22 का निर्माण किसने किया है? चीन, अमेरिका, कनाडा या जापान। तो विंड टनल JF-22 का निर्माण करने वाली कंट्री है चीन, जो विश्व की पहली विंड टनल है। नेक्स्ट, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन रही? तो ऑस्ट्रेलिया रहा, उप विजेता भारत था। ये विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का दूसरा संस्करण था, ये याद रखिएगा। पहले संस्करण में भी उपविजेता भारत ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अब जितने भी क्वेश्चन हैं, इन सबको आप ट्रिपल स्टार पे लगा सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। आते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे, जो है इवोल्व मिशन को लेकर। भारत में इवोल्व मिशन EVOLVE किसने प्रारंभ किया है? तो सिडबी ने प्रारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम लोग इवोल्व मिशन को प्रारंभ किया है सिडबी ने। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सारे के सारे ट्रिपल स्टार वाले आने वाले हैं। तो अंत का अब थोड़ा सा और समय आपका जाएगा, लेकिन इसके बदले में आपके पास एक बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, ये क्वेश्चन ट्रिपल स्टार है। ये गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया गया है। आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा गीता प्रेस के संस्थापक का नाम। 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यूरोपियन निबंध पुरस्कार से अरुंधति राय को सम्मानित किया गया है। बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी अरुंधति राय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार मिला था अरुंधति राय को। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, जो कि है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जुड़ा हुआ। ये कौन सा संस्करण था 21 जून को, ये आपको बताना है। तो ये 2015 में शुरू हुई थी। 2023 का थीम भी याद रखिएगा, राष्ट्रीय 2023 की जो थीम थी वो वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, ये था। और जो संस्करण था वो 9वां संस्करण था, 9th। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सारे प्रश्न यहाँ से जो आ रहे हैं, सबके सब आपके आपको याद होने ही चाहिए 69वीं के पहले, क्योंकि इसमें से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, ऐसा आप मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं करंट अफेयर्स के। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जा रहा है? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, यानी भारत में ही बन रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा है तो हो जाता है इम्पोर्टेंट। हाल ही में भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ प्रारंभ हुई है? पॉड टैक्सी परियोजना बताना है, इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने पॉड टैक्सी परियोजना शुरू की है। नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर क्या रखा है? 6.5, 5.6, 7.2 या इनमें से कोई नहीं। हम लोगों ने ऊपर देखा भी था, इसका सही उत्तर है ये 6.5%। उत्तर ऊपर हम लोगों ने इसके पहले इसके ऊपर
इसके पूरी आंकड़ा को भी देखा था। विश्व के सबसे लंबे गीत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गीत ने स्थापित किया है? तो ये है श्री रामचरितमानस ने, ये विश्व का सबसे लंबा गीत बना है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन कहाँ प्रारंभ किया गया? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ये ऑप्शन में है। सही उत्तर होगा बिहार। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन, स्वास्थ्य के लिए जो बिल लाया गया है वो तो राजस्थान ने लाया है, ये स्वास्थ्य सुधार के लिए ऑपरेशंस है। हाल ही में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कहाँ शुरू हुआ है? तो ये उत्तराखंड में शुरू हुआ है। बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किसने प्रारंभ की है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नन ऑफ दीज, इसमें से आपको चुनना है। तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश ने प्रारंभ किया है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द्रौपदी मुर्मू ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स के लेखक कौन है? ये आपको बताना है। सही उत्तर होगा कस्तूरी रे। अगला क्वेश्चन है 49वें G7 शिखर सम्मेलन को कहाँ आयोजित किया गया था? ये G7 में शामिल देशों के फ्लैग्स आप देख पा रहे हैं। इसका सही उत्तर है जापान। जापान में G7 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था जो कि 49वां था। आते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है आपको आपके स्क्रीन पे अभी आ जाएगा। ये आसियान शिखर सम्मेलन से 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, स्विट्जरलैंड या ईरान? तो ये याद रखिएगा इंडोनेशिया में हुआ है। इसका थीम जो था वो था आसियान अफेयर्स ईपी सेंटर ऑफ ग्रोथ, ये थीम रहा है, आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है क्वाड शिखर सम्मेलन से 2023 का क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये जापान में आयोजित हुआ है क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का। क्वाड के 4 सदस्य हैं जिसका नाम यहाँ है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। AI एंकर लिसा का अनावरण कहाँ किया गया? भारत की ये पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वाली एंकर है, नाम इनका लिसा है। इनका अनावरण कहाँ किया गया? तो ये उड़ीसा में किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश ने 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया है? फ्रांस, इसका सही उत्तर है। इस यात्रा के दौरान ही प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड फ्रांस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। टाटा संस के जो चेयरमैन और चंद्रशेखर को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। और भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास भी खोलेगा, ये भी याद रखिएगा। सो ये दूतावास खोलेगा और ये जो प्राइज मिला और समझौता हुआ ये हाल ही में प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान हुआ। टाटा संस के जो चेयरमैन हैं चंद्रशेखरन, इनको भी फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार दिया गया। हाल ही में सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है? 2030 ये टाइम है। नेक्स्ट आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो ये नाइजीरिया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? IGI दिल्ली, गोवा एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, इसमें से कोई नहीं। तो IGI दिल्ली इसका सही उत्तर होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल है अनिल बैजल, ये भी याद रखिएगा। आते हैं अब अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? शमी, भुवनेश्वर कुमार, रविचंद्रन अश्विन। तो भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज है रविचंद्रन अश्विन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की? मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, इसमें झारखंड सही उत्तर है। देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भी झारखंड में बनाया गया है। झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं CP रामाकृष्णन और बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति झारखंड की बताई गई है। अब वीडियो का अंतिम 10 मिनट बचा हुआ है, इस 10 मिनट में हम लोग कोशिश करेंगे कम से कम 25 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हल करें। तो आप यहां से बिल्कुल अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ। ये रहा प्रश्न, विंबलडन 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये बहुत चर्चे में भी रहे थे अभी,
आपको इनका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में किसे यूपी विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? यूपी विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है, यह है अरविंद कुमार। ट्रिपल स्टार में आप यहां से लिखते चलिएगा, हाल ही में भारत के बाहर कहां आईआईटी दिल्ली का कैंपस स्थापित किया जाएगा, ऐसा किया गया है, तो यह अबुधाबी में है। नेक्स्ट हम आपके साथ अब और कोशिश करेंगे कम से कम 50 क्वेश्चन इस अगले 10 मिनट में आपके साथ सॉल्व करें। बाइडेन ने किस भारतीय अमरीकी को राष्ट्रपति की निर्यात परिषद में नियुक्त किया है? तो ये हैं आपको इरीना घोष, शमीना सिंह, शमीना सिंह होगा सही उत्तर। चंद्रयान मिशन 3 के डायरेक्टर हैं इसमें जो दर्शाया गया है पी, और ये जो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की नई जो सीईओ है वो है इरीना घोष, जो कि यहाँ पे चर्चा में है। आते हैं आगे, हाल ही में जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? निर्यात तैयारी सूचकांक में सबसे टॉप पे रहने वाला राज्य तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्विकली, अब फटाफट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। किसने बैडमिंटन में सबसे तेज प्रदर्शन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा है? सात्विक साईराज है ये। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर कौन रहा है? तो ये शीर्ष पे रहने वाला कंट्री है 2023 में सिंगापुर, और ग्लोबल शांति सूचकांक 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश आइसलैंड रहा है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में MIT शीर्ष पर रहा है, ये याद रखिएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर सिंगापुर है। नेक्स्ट आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के साथ साथ जो फैक्ट सब है इनसे भी बनते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो इन सब को कवर करके हम लोग 50 के आसपास क्वेश्चन को करेंगे इन आखिरी 7-8 मिनटों में। हाल ही में फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेविलियर अवार्ड प्रदान किया गया है? फ्रांसीसी सरकार द्वारा, तो सही उत्तर हो जाएगा अरुणा साईराम। बढ़ते हैं, सॉरी शशांक सुब्रमण्यम, तो दोनों हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ADB ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इस वर्ष जो चालू वित्त वर्ष है इसमें भारत की वृद्धि दर कितनी रहेगी? तो 6.9, 7.1 और 6.4% है, इनमें से कोई नहीं, ये भी है आपके पास ऑप्शन में, तो बताना है क्योंकि हम लोगों ने पहले चर्चा किया हुआ था ADB के बारे में, और इस विषय में हम लोगों ने चर्चा की हुई है इसी वीडियो में भारत की वृद्धि दर के बारे में। सही उत्तर होगा 6.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राग प्रकाश नामक पुस्तक का विमोचन किया है? राग प्रकाश नामक पुस्तक का विमोचन किया है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। नेक्स्ट, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है? दीपक धर, धलपिल प्रदीप, जो कि सही उत्तर है धलपिल प्रदीप। प्रशिक्षित PEN पिंटर पुरस्कार ये माइकल रोशन ने जीता। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रिया ये एस ने जीता। प्रधानमंत्री मोदी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, अपकमिंग BPSC UNHRB के दृष्टि से। बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। किस देश ने रिकॉर्ड 190 संशोधन के साथ भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक पारित किया है? श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं, श्रीलंका इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। किसे भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? अतुल गर्ग, अभिजीत शर्मा, राकेश पाल, इनमें से कोई नहीं, तो इसके सही उत्तर है राकेश पाल। एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष है शेख तलाल, ये याद रखिएगा। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक है। भारतीय तटरक्षक बल 1978 में आई थी, इसके 25वें डायरेक्टर बने हैं राकेश पाल। आते हैं नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहाँ बना है? जापान, अमेरिका या भारत? तो अब भारत हो गया है इसमें। भारत ने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड भी जीता है। भारत ग्लोबल क्राइसिस रेक्सॉप ग्रुप में भी शामिल हो गया है, सॉरी रेस्पॉन्स ग्रुप में भी शामिल हो गया है। और भारत ने कुवैत को हराकर 9वीं सैफ चैंपियनशिप भी जीती है। हाल ही में किसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीतने वाले हैं मोक्ष रॉय। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसे भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे
भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है, तो ये रविंद्र बसंतु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस रेलवे सुरक्षा बल का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, किसे, यह क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, किसे रेलवे सुरक्षा बल का निदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी भवन का उद्घाटन किया, ये कहाँ किया है इन्होंने, मुंबई, अगरतला या कोलकाता, तो सही उत्तर है अगरतला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एलआईसी का प्रबंधक कौन है, एलआईसी बहुत चर्चे में थी, हाल ही में इनका प्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है, निवृत्ति राय, सारिका भारद्वाज, सतपाल भानु, इनमें से कोई नहीं, सही उत्तर है सतपाल भानु। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है, तो एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप जो है इसका आयोजन हुआ है मालदीव में। क्यू एस बेस्ड स्टूडेंट्स सीट सिटीज 2024 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है, तो ये है लंदन। और एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात किया जाए तो सिंधुआ यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगले 3-4 मिनट में हम लोग सोल्व करेंगे जो क्वेश्चन, ये सारे के सारे ट्रिपल स्टार वाले होंगे। अमेरिका ने किस देश को $400 मिलियन का सैन्य सहायता पैकेज देना मंजूर किया है, तुर्की, यूक्रेन, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं, तो आप जान रहे हैं यूक्रेन है। यूक्रेन के राष्ट्रपति को 2022 लिबर्टी मेडल दिया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में यूक्रेन शीर्ष पर रहा है। डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 यूक्रेन के नागरिकों ने जीता है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार भी दिया गया है, ये याद रखिएगा। इसमें क्रिप्टो करेंसी वाला थोड़ा सा यूनिक किस्म का है, हो सकता है एग्जाम में इससे पूछ ले, क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में शीर्ष पर कौन सा देश है, तो ये यूक्रेन है। खेत सुरक्षा योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लागू किया है, महाराष्ट्र, राजस्थान या उत्तर प्रदेश, तो ये जो खेत सुरक्षा योजना है उत्तर प्रदेश ने लागू किया है। किसने 2023 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है, लैंडो नॉरिस, सर्जियो पेरेज या मैक्स वेरस्टैपन, मैक्स वेरस्टैपन ये सही उत्तर है। नेक्स्ट है, भारत बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए देवकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया है, देवकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन मेघालय में किया गया है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार को बढ़ाएगा। भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ शुरू की गई है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र, तो पॉड टैक्सी परियोजना का शुरुआत हुआ है उत्तर प्रदेश में। ये क्वेश्चन हम लोग को ऊपर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिला था। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने प्रत्येक जिले में 2-2 लॉकस वाटिका बनाने की घोषणा की है, तो ये राजस्थान है जो इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लॉकस परियोजना स्टार्ट किया है। नीति आयोग ने वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में पहला स्थान किसे दिया है स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो ये केरल को मिला है। भारत सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को नवरत्न का दर्जा हाल ही में दिया है, रेल विकास उत्तर प्रदेश या दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, तो रेल विकास निगम लिमिटेड को ये दर्जा मिला है नवरत्न का। हाल ही में किस राज्य के स्वच्छ विरासत अभियान को हुडको पुरस्कार 2022-23 प्रदान किया गया है, एमपी, यूपी, तमिलनाडु या कर्नाटक, तो हाल ही में उत्तर प्रदेश को स्वच्छ विरासत अभियान का हुडको पुरस्कार दिया गया है। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड या इथोपिया में, सही उत्तर होगा दक्षिण कोरिया। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन कहाँ प्रारंभ किया गया है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन बिहार में प्रारंभ किया गया है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने पर भी हल किया था, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजय वारियर 2023 का संबंध किस देश से है, भारत ब्रिटेन, भारत मालदीव, भारत पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत ब्रिटेन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं जो कि है मोबाइल दोस्त ऐप शुरू कहाँ किया गया है, बिहार, राजस्थान या जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर इसका सही उत्तर है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे, सो फ्रेंड्स अब और स्लाइड्स में प्रश्न नहीं है, ये इतने प्रश्न थे जो हम लोगों ने सॉल्व किया, और हम लोग इन प्रश्नों के दौरान कम से कम 100+ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर किया है, इससे आपके एग्ज़ाम में
दो से पाँच नंबर के प्रश्न आने की संभावना दिखती है। इस वीडियो के लिए यहीं, अगले संडे हम लोग फिर करेंट अफेयर्स के ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और करते रहिए अपने प्रिपरेशन को। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।